एक सैनिक को क्या करते हैं, जब हम करते हैं तो हमारे को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। दफ्तर के अंदर कितने एसएम साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जब रेजिमेंट बैठे हुए हैं, कर्नल साहब बैठे हुए, एसएम साहब प्लीज आप बाहर जाइए, ये हमारे साथ हुआ है। और ये अगर ना होता तो आज हम सब बोलते। देश के अंदर कितने भी अधिकारी हैं, आप लोगों ने कितने अधिकारियों के साथ सर्विस किया, मैं उन्हें की बात करता हूँ, हिमाचल की बात करता हूँ, किसी कर्नल ने या किसी मेजर ने आपसे को कॉन्टेक्ट किया है कि साहब लोग आप जातक मतलब गए क्यों गए, कोई नहीं पूछेगा। आप सभी से हाथ जोड़ के बेनती है, ये जो आंदोलन चला है इसको पूरा कीजिए, सरकार हिल जाएगी, सरकार के पास कोई पावर नहीं है। मेरे को बहुत खुशी है कि हिमाचल का नाम जंतर मंत्र में रोज लिया जा रहा है। पूर्व सैनिक सिपाही क्या बोलता है, हिमाचल में हो गया 224 में दिल्ली में भी हो जाएगा, कहने का मतलब लोकतंत्र में तो वोट डालने का आजादी हरेक को है, हमारे को अधिकार है। लेकिन हम जेब चाहिए मुझे एक्शन साहब कितनी नौकरी की आप लोग बोले, अगर मैं एक सिपाही हूँ लड़ाई के दौरान मेरा हाथ कट गया, देना हाथ एक मेजर साहब का हाथ कट गया, उन लोगों गोली लग गई, तो उस मेजर साहब को अलग पैसा मिलता है, उस सिपाही को अलग मिलता है। मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि जो मेजर साहब को पैसा मिलता 10,000 या 50,000, एक सिपाही को 2,000 मिलता है, जो जहाँ इंजीनियर है वो मेजर साहब के लिए 40 रुपए किलो है और वो सिपाही के लिए भी 40 रुपए किलो है। इतना भेदभाव जो हमारी विधवा नानियां विधवा नानियां है उनके साथ क्या क्या हो रहा है। अगर हमारे ऊना में आज को शहीद हो गया, ये नेता लोग हमारे सरकारी अधिकारी सब आएंगे 2 मिनट के लिए 2 दिन के लिए, ऐसे ऐसे गांव बांधने पड़े हुए हैं तो सीटों के नाम पे रोड बनेगा, स्कूल बनेगा, किसने कुछ नहीं किया है। तो आप सभी से अनुरोध है, जैसे दिल्ली से हमारे को काल आता है, उस काल को पूरा करने के लिए, उस उनके जंतर मंतर के जो आंदोलन को और बढ़ाने के लिए, अभी जो उधर जिम्मेवारी ले रखी है वो यूपी के लोग आए हुए हैं, यूपी के सैनिक आए हुए हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग खड़े हुए थे जब हमने टेंट लगा लिया, सैनिक का मतलब ये है जब टेंट लगा लिया तो ज्यादा हार जाता पीछे नहीं हटेंगे। तो 3 तरीक को जो शक्ति साहब ने बताया कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने तैयार करना है और डीसी साहब को विज्ञापन देना है, जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, शोर नहीं करेंगे, रास्ता ब्लॉक नहीं करेंगे, तब तक कोई नहीं सुनाई होगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 3 तरीक का जो हमारा प्रोग्राम है उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपने साथ 2-2, 4-4 बंदे और लेके आइए। थैंक यू वेरी मच। सैनिकों का संघर्ष, जिस संघर्ष को यहाँ पर धार दी जा रही है, आपको बता दें कि इस वक्त पूरी तरह से पूर्व सैनिक रोष से लबरेज। हम सब के साथ में जो यहाँ नहीं है ओआर हवलदार जो घर में बैठे हैं उनके साथ में इस न्याय के अगेंस्ट अगर हम लड़ेंगे नहीं, मरने को तैयार नहीं होंगे तो कोई नहीं सुनेगा। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है, हमने अपने ऑफिसरों के जूते भी बारिश किए जब हम वहाँ थे, ठीक है। आज कोई ऑफिसर ये कह रहा हमसे कि भाई या सरकार से कि इनके साथ में अन्याय हुआ है, इनको मिल रहा है बेसिक पे इंटू 2.57, हमें मिल रहा है 2.81, ये अन्याय है इनके साथ में। कोई ऐसा ऑफिसर आगे आया इनके हमने जूते साफ किए, नहीं आया। सरकार कोई पार्टी कोई भी पार्टी हमारे पक्ष में खड़ी हुई अभी तक कोई नहीं हुई। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है, एक हो जाओ, एकता में बल है। मैं वैसे बुरा नहीं मान रहा है, प्रेस वाले भी खड़े हैं, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे मुझे। मैं तो ये कहने वाला हूँ कि जब हमारे यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का पता नहीं है कि हमारे पूर्व सैनिकों के साथ में ऐसा हुआ, तो एक दिन लेट जाओ सड़क पे, एक दिन लेट जाओ सड़क पे, मालूम पड़ जाएगा, ऊपर तक पता लग जाएगा कि हमारे सैनिकों के साथ में ऐसा अन्याय हुआ है। यही निवेदन करूंगा, जैसे जैसे हमारे ये नेता लोग कह रहे हैं 3 तरीके की काल है, आओ खुल के आओ, अपने बैनर झंडे भारत के सब कुछ लेके आओ, उस वक्त पता इनको दिखाओ, जब देना हमने जाके उनको मेमोरेंडम तो वहां चिल्लाना भी पड़ेगा, गले भी साफ करके और लहसियां खा के आओ। जब यहाँ से सुनाई सुखू जी को पता लगी तो धीरे धीरे
आगे पता लगे भाई लोग जाके आए, इनका आदर है, स्वागत है, इनको प्रणाम करता हूँ। मैं इनको अपनी तरफ से प्रणाम नहीं जा पाया, मेरी आस्था अब मैं वायदा करता हूँ जैसे आप मुझे लगाओगे जहाँ लगाओगे वहाँ खड़ा रहूँ। जय हिंद जय भारत। मैं डोगरा जी से डॉक्टर डोगरा जी से विनती करूंगा कि अपने विचार रखें। आज बैठक की गई है क्या मुख्य उद्देश्य इस बैठक का? इस बैठक का सबसे उद्देश्य ये है कि जो हमारे साथ फौजियों के साथ और पिटू के बीच में विसंगतियां हुई हैं और उसके बारे में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि 12 तारीख को हम जंतर मंतर के ऊपर यहाँ से सैनिक गए थे। हिमाचल से तकरीबन 2000 सैनिक वहाँ पर पहुँचा हुआ था और पूरे देश के बीच में देश से वहाँ पर तकरीबन 15,000 सैनिक वहाँ पर पहुँचे हुए थे और डिब्रूगढ़ और हैदराबाद, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सभी प्रदेशों से, पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, सभी से वहाँ पर लोग पहुँचे थे, क्योंकि हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है। क्यों? जैसे MSP, एक MSP है मिल्ट्री सर्विस पे, जो कि एक जोखिम भत्ता है, जहाँ मटीरियल इलाके के बीच में, स्लो बाउंड एरिया के बीच में रहते हैं, वहाँ पर हमारे साथ एक स्पाई से लेकर के एक ऑफिसर तक, हम सभी एक जगह रहते हैं और ऑफिसर को तो जो MSP दिया गया है वो 15,500 दिया गया है, और जो MH के बीच में MNS जो मिल्ट्री नर्सिंग सर्विस है और उनको 10,400 रुपये दिए गए। हमारे जो जवान जो कि हरदम प्रहरी रहते हैं, जो कि हमेशा फॉरवर्ड रहते हैं और गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, ऑफिसर हालांकि स्लो बाउंड के बैंकर हो या उसके बीच उसका और कोई हो या टेंट हो, अफसर वहाँ पर बैठता है, लेकिन जवान उसकी रक्षा के लिए भी बाहर बाहर खड़ा होता है और उसको जो MSP है वो 5,200 दी जा रही है, 5,200 एक सिपाही से लेकर जेसी सेवान तक, और जो एक अफसर है उसको 15,500 दी जा रही है। ये कितना अधेड़ है हमारे साथ। सेकेंडली डिसेबिलिटी पेंशन, एक जो जवान है अगर उसकी टांग टूट जाती है या टांग उड़ जाती है, शेलिंग से उड़ जाती है या बर्फ लगने के कारण वहां पर गैंग्रेप होके उसकी टांग काटी जाती है, तो उसको तो मिलता है 12,000 रुपया, और अफसर को मिलता है जाके 2-2 लाख रुपया। ये कहां से होगा? क्या जो जवान की टांग है वो मिट्टी की बनी हुई है, अफसर की टांग है उसकी सोने की बनी हुई है? ये जो भेदभाव हमारे साथ हुआ है, ये अफसरों ने हमारे जो अधिकारी वर्ग थे और जिनके जो के हर एक जगह के ऊपर हम उनको पहल देते थे, हमारी जगह जवानों के सम्मुख रख कर, जवानों को सुबह आगे रख करके वो हमारे वहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे कि हम जो फौज की तरफ से आए, लेकिन उन्होंने अपना जो काम था, अभी देखिए जो फैक्टर मिला हमें वो 2.57 दिया हमें जवानों को, सिपाही से लेकर जेसी जवान और ऑनरी कमीशन अफसर तक, और जो अफसर हैं उनको अपग्रेड कर दिया गया है और उनको इतना अपग्रेड किया कि उनका तकरीबन 50% से ऊपर चला गया है। ये कहाँ तक होगा? बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हमारे साथ हो रही हैं। तो अभी क्या रणनीति आपने? अभी इसके बारे में हम पूरा एजिटेशन उठा रहे हैं और हम 12 मार्च को हम वहाँ पर जंतर मंत्र के ऊपर इकट्ठे हुए और इसके बाद हम यहाँ पर ये बात कहने के लिए आए कि 3 तारीख को हम जिला भर के बीच में तमाम जितने भी हिंदुस्तान के जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सभी जो है फौजी इकट्ठे करके एक ज्ञापन देंगे, राज्य अपने डिप्टी कमिश्नर महोदय को, राज्यपाल को वो भेजेंगे, ताकि
इन मांगों को हमारे मंजूर किया जाए। अगर वो मांगे मंजूर नहीं होती हैं, नहीं हमारी अनदेखी की जाती है, कोई सरकारें नहीं सुनती हैं, तो 6 अगस्त को रामलीला मैदान के बीच में हिंदुस्तान का हर एक फौजी वीर नारी वहां पर पहुंच के वहां पर हम अपनी ताल ठोकेंगे इसके बारे के और के बारे में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संघर्ष को लेकर धार देने का जो ऐलान किया गया है उसका असर दिख रहा है। और अब ये भी ऐलान कर दिया कि 3 अप्रैल को जहाँ जिला मुख्यालयों पर संघर्ष होंगे, वहीं दूसरी तरफ 6 अगस्त रामलीला मैदान कूच करने का ऐलान दिल्ली में एक बार फिर पूर्व सैनिक कर चुके। लाइफ टाइम टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य।